देखो भाई, सुबह सुबह निकले हैं यार, कितनी फ्रेश स्नो है और क्या प्यारी स्नोफॉल हो रही है यार। सुबह सुबह इतनी ज़्यादा सुंदर भाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। इतनी बढ़िया शुरुआत हुई है ना आज के दिन की, तो स्वागत है यार आपका एक नए दिन में अलमाटी की बहुत ही प्यारी, बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर स्नोफॉल के साथ मैं आपका स्वागत करता हूँ इस नए व्लॉग में। आज हम एक्सप्लोर करेंगे अलमाटी के दूर वाले कुछ आइकॉनिक लोकेशंस, कॉल्जाई लेक और जो यहाँ के स्पेशल कैनियंस हैं। भाई कितनी ही प्यारी स्नोफॉल हो रही है यार। तो भाई अभी बैठे हुए हैं हम कैब में, अपना पिकअप पॉइंट पे जा रहे हैं और मेरे हिसाब से ये ट्रैवलर्स खड़ी है ना, यही हैं, दो ट्रैवलर्स हैं मुझे लग रहा है, सब लोग पहुंच गए, हम ही लेट हैं। और ये देख रहे हो पूरा वाइट हो गया है सब कुछ, मतलब इतना सुंदर मैं इमेजिन नहीं कर सकता था कि इतना सुंदर हो जाएगा। हर दिन दिन बाय दिन अलमाटी प्रूफ कर रहा है कि क्यों ये विंटर वंडरलैंड है। अरे भाई पहुँच गए भाई बस में यार, बड़ी छोटी सी ट्रैवलर में लेके जा रहे हैं। Это озеро Косай, Чарынский, Лунный, Черные каньоны и, конечно же, река Чарын. По дороге у нас будут две. My English is not very good, but a little now and understand you. And I will tell you the information in Russian because I don't English very well. But I will send the information about our location on WhatsApp. Okay. That would work. Thank you. I'm Tamiris. You can call me Toma. Toma, okay, Toma. Today's tour. Today we will, yeah, just Toma. Toma. And today we're going on a one-day tour. We visit five locations. Okay. Kosai Lake, Sharon, Moon, Black Canyons and the Sharon River. चलो भाई अब कुछ समझ में आना शुरू हो गया है। तो भाई अभी एक पिट स्टॉप पे रुके हैं। पिट स्टॉप क्या? फ्यूल रीफिल कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं अगर आपको प्राइस दिखाऊँ पेट्रोल वगैरह के, 330 का 98 है, 270 का 95 है, 10 30 60 रुपए का हो गया। तो सस्ता है भाई, इंडिया से अच्छा है, सस्ता है और बहुत लंबा टूर है मेरे हिसाब से। पहला जो स्टॉप पहुँचेंगे ना हम, करीबन 2-1 घंटे के आसपास का टाइम बता रहे हैं। भाई पहला पिट स्टॉप लिया है अपनी जर्नी का, करीबन टाइम हो गया है मेरे हिसाब से 8:52 बज गए हैं। हम सुबह 6:30 निकले थे तो वही 2.5 घंटे के आसपास हो गए हैं। और जिस जगह पे आए हैं ना, मतलब कितनी ही सुंदर जगह है मैं बता नहीं सकता आपको। पूरे पहाड़ों के बीच में से रास्ते थे और एकदम स्नो कवर्ड वाले पहाड़ हैं और अभी भी रोड पर भी बर्फ़ है और एकदम ना सुंदर सी स्नोफॉल हो रही है। आसपास का एरिया मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ऐसे वीराने में सुनसान सी रोड है और मतलब बहुत ही बढ़िया फील आ रही है यार, बहुत ज़्यादा मज़ेदार यार, मज़ा आ गया। ये वाले आप ज़रूर करना और आपकी किस्मत अच्छी रही, ऐसे स्नोफॉल रही ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा आपको। देख सकते हो यार आप मेरे पीछे कितना सही स्नोफॉल, कितना सही माहौल है। बढ़िया, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, मुझे लग रहा है ग्लव्स पहन ही लूँ मैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं ना लेक के पास, वहाँ पे तो बताते हैं -25 से -30 के आसपास ना टेम्परेचर हो सकता है। तो अगर वो हो गया ना तो हमारी बैंड तो बच जाएगी, ये तो पक्की बात है। इसलिए ग्लव्स लेके हम पूरी तरह प्रिपेयर्ड हैं। बस हेड कवरिंग के लिए मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं, कैप वैप में लाया नहीं। बट ये देखो, ये हाईवे है मेन जो नेशनल पार्क को कनेक्ट करता है, कॉल्जाई नेशनल पार्क है जहाँ पे लेक है, ये सबसे बड़ी लेक है कजाकिस्तान की। और नेटवर्क वगैरह आपके आना बंद हो जाएंगे, तो जो भी आप कैश वैश लेके रख लेना, खाने वाने का तो मिल जाएगा बट कैश मिलेगा, नेटवर्क नहीं होगा तो ऑनलाइन पेमेंट किसी भी टाइप की ना हो नहीं पाएगी। देखो भाई मैं बर्फ़ कलेक्ट करूं, भाई तगड़ी बर्फ़ हो रही है, बहुत बढ़िया। यहाँ का तो यहाँ तो कर सकते हो भाई। भाई ग्लव्स मज़ेदार है, डीकैथलॉन ने मज़ा करा दिया भाई, बहुत ज़्यादा एकदम पूरा फन हो रहा है भयंकर तरीके से। तो भाई ये कुछ ऑप्शंस हैं खाने के, आप ले सकते हो, मतलब बेसिक चिप्स वगैरह है
और कुछ ड्रिंक के ऑप्शंस हो गए इधर, आपको थोड़े बहुत जो बेसिक एमिनिटीज़ की चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी। ये वाले तो शायद वेफर्स हम कल लेके आए थे, और अरे ये कुछ ब्रेड टाइप, मतलब सब चिकन है। एक दो ले लेते, चलो एक तो कम से कम एटलीस्ट पोटैटोज मिल गया हमें, तो एक पोटैटो हम ले लेंगे। तो जी पहुंच गए हैं अपने पहले स्टॉप पे, कोलजाई लेक, और पहाड़ों के बीच में है। पीछे आपको पूरे पहाड़ दिख रहे होंगे अपने अच्छे से, और पूरी स्नो, काफ़ी हैवी स्नो है। और इधर अगर आप पीछे देखोगे तो गाड़ी की क्या हालत हुई है, मतलब भाई साहब ऐसे ऐसे रास्ते थे ना, मैं तो थोड़ा सा सो गया काफ़ी देर, क्योंकि यार साइड में टिंटेड विंडो थी तो ज़्यादा दिख नहीं रहा था। बट भाई बहुत अच्छी ठंड है यहाँ पे, अप्रॉक्सीमेटली -25 से -30 के बीच में कहीं ना कहीं टेम्परेचर होगा। और 2 घंटे का स्टॉप दिया है इन्होंने यहाँ पे, जिसमें कि आप लेक एक्सप्लोर कर सकते हो। और लेक एक्सप्लोर करने के बाद नेक्स्ट स्टॉप पे यहाँ से लेके जाएंगे। ऐसा कुछ नज़ारा है, कितने तगड़े पहाड़ के व्यूज़ हैं, बहुत ही शानदार यार, मज़ा आ गया, मतलब एकदम ही वर्थ लगा। वैसे तो भाई पहुंचने में हमें यहाँ लग गए कम से कम, हम निकले थे 6:30 बजे और अभी बज रहे हैं 11, तो 4.5 घंटे लग गए, जिसमें बीच का स्टॉप मान लो आधे घंटे का। और अभी हमें समस्या हो रही है कि हमें रेस्ट रूम यूज़ करना है, बट यार उधर भी बंद था इधर भी बंद था, तो भाई कहाँ जाएंगे यहाँ, यहाँ तो बहुत समस्या हो जाएगी हमें। ये देखो ये है ना सामने वाला, ये लोग खड़े हैं सब अपने ही हैं बंदे। ये तो बहुत अच्छा रहा कि -10 ही है, मैंने अभी गूगल पे देखा, फील्स लाइक पता नहीं कितना होगा, पर हवा ज़्यादा चल नहीं रही है। बट यार एक चीज़ अच्छी है, जो ये स्नो हो रही है ना ये बड़ी सॉफ्ट वाली है, तो इस पर चलना इज़ रिलेटिवली इजी। तो भाई ये वाला जो एरिया है ना, ये थोड़ा सा जो यहाँ पे किर्गिस्तान का बॉर्डर शेयर होता है सदर्न पार्ट पे, रास्ते में मुझे बोर्ड दिखे थे बॉर्डर जोन के, ये देखो भाई ये जो सामने दिख रही है ना आपको वाइट पूरी फ्रोज़न, यही है कोलजाई लेक। और ये कहते हैं यहाँ की कजाक की मेरे हिसाब से सबसे बड़ी लेक है, बट उसके बाद भी भाई मुझे तो उस हिसाब से बड़ी छोटी सी लग रही है। रास्ते तो बहुत भरे हुए हैं नज़ारों से, पूरी तरीके से बर्फ़ और सुंदर नज़ारे। तो भाई कुछ तो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है रशियन में, हमें समझ में नहीं आ रही। जो टूर गाइड ने बताया है कि यहाँ पे ना सिर्फ एक लेक नहीं है, सो देयर आर 3 लेक्स राइट इन टोटल, सो देयर आर 3 लेक्स, 3 लेक है। और ये जो पानी भी है वो है कम से कम 80 मीटर डीप, तो गलती से भी गिरना मत, इफ़ यू फॉल यू विल डाई, दैट इज़ फॉर श्योर, यू आर नॉट सर्वाइविंग। वैसे तो मेजर पार्ट इसका जमा हुआ है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मेजर पार्ट जो आगे का दिख रहा है ना ये सारा जमा हुआ है, और ये वाला रनिंग डाउन स्ट्रीम है, और ये पूरा माउंटेन रेंज है आसपास। 1880 ओके, दैट्स वेरी हाई इन दिस सर्च लेक, ओके द सेकंड लेक इन 2252 meters, ओके द फर्स्ट इन 2850 meters, ओके। तो भाई पहली लेक है 1000 कुछ, दूसरी है 2200, तीसरी है 2800। तो अगर एक एक लेक आप जाओगे ना तो बहुत बड़े बड़े बहुत लंबे लंबे हाइक्स हैं, बट हाइट भाई बहुत अच्छी है। अलमाटी आई मीन डे वन वी वर रेस्टिंग बिकॉज वी वर वेरी टायर्ड, सो वी वेंट टू वी वेंट टू कोकटोबे यस्टरडे, या वी वेंट टू द केबल कार, बट एवरीथिंग वॉज क्लोज्ड, या बट ऑल द एक्टिविटीज वर क्लोज्ड, आई डोंट नो व्हाई, बट दे वर, no, we are going there tomorrow. Tomorrow? Yes, yes. Tomorrow we'll go to Shumlak. And then for Sunday, we are leaving on Sunday. Sunday. Yeah. So we'll do all the shoppings and everything on Sunday.
So this area normally has snow all year around or just in winters? Winter. No, the snow. Yes. In summer as well or no? No, not in summers. In just winters only. Yes, in the summer is very, very hot. Very hot. Yes. Okay. देखो भाई ये वाला पानी देखो जमा नहीं है और ये पूरा डाउनस्ट्रीम ना फ्लो कर रहा है अच्छे तरीके से और लेक यहाँ पे उन्होंने बताया ना तीन लेक है एक तो भाई यहाँ से 1000 meters के आसपास ऊपर है एक पूरी किलोमीटर फिसलने का बहुत चक्कर है यहाँ पे तो जब भी चलो भाई अच्छे से चलो हवाबाजी मत करो हवाबाजी का रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं होता क्या शानदार नज़ारा आ रहा है यहाँ से बहुत ही ज़्यादा सुंदर लेक है फ्रोजन और उसके सामने पहाड़ हैं और ये क्रिसमस वाले पेड़ लगे हुए क्रिसमस वाले ही है ना भाई अगर ऐसे आप यहाँ पेड़ हिलाओ भाई बहुत ही बढ़िया बर्फ़ भी गिरती है ऐसे हिलाना पड़ेगा कुछ प्रो टिप बता दूं यहाँ के लिए ठंड होती है अच्छी खासी तो उस हिसाब से अपने ग्लव्स जैकेट्स सब कुछ कैरी करना ट्रैक जो होगा जूते अच्छे होने चाहिए क्योंकि भाई फिसलते बहुत ज़्यादा हैं अभी हमने अपनी ट्रिप कंप्लीट कर ली है कोलजाई लेक की और मतलब अच्छा है ठीक है थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर लो उसके बाद तो नीचे जाओ ऊपर आओ बर्फ़ कितनी देखोगे एक लिमिट तक ही बर्फ़ देख सकते हो ना उससे ज़्यादा देख नहीं सकते और अब यहाँ से हम जाएंगे कैनियन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा बट वो भी भाई बर्फ़ से ढका होगा तो कह नहीं सकते कि भाई कितना अच्छा होगा कितना नहीं होगा मस्ट है भाई ये वाली कर लेना यार 12,000 tenge में मुझे तो बुरी नहीं लगी और ये घोड़े वोड़े देते हैं कोई लेने की ज़रूरत नहीं है थोड़ा सा है नीचे जाके ज़्यादा कुछ तो है नहीं भाई ये देख रहे हो ये जम गए हैं यहाँ पे ये ऐसे खींच के निकालना पड़ रहा है ये हालत है ठंड की अब सोच लो आप जहाँ भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है ना वो बहुत भयंकर तरीके से जम रहा है तो भाई अभी हमने क्या किया है एक स्टॉप लिया है लंच के लिए एक जगह पे गांव सा ही है यहाँ पे और थोड़ा बफे वाला सिस्टम है तो बफे वाले सिस्टम में ना मेरे लिए समस्या क्या आ गई सारा कुछ मीट है कुछ भी मतलब वेजिटेरियन में नहीं है तो इधर आप देख रहे हो ना ये फ्राइज़ हैं इधर ये बीफ है शायद ये बिरयानी में और इन दोनों में चिकन ही है तो कुछ भी ऐसा नहीं है बाकी अगर आपको ड्रिंक्स व्रिंक्स लेनी हो तो वो हो भाई आप पी सकते हो कैश भी देखो यहाँ का ये जो पेटीएम वाला होता है ना ये है ड्रिंक्स है कॉफ़ी है बियर है स्निकर्स वगैरह हैं ये सब चीज़ें हैं और ये जो बफे का कॉस्ट है मतलब आप एक पोर्शन पूरा बफे का ले लो तो वो आ जाता है आपका 3,000 tenge का तो 3,000 tenge में भाई फ्राइज तो मैं नहीं खाऊंगा ऑब्वियसली इसकी मौज है बस हमारी सजा है नहीं भाई नहीं खा सकते तो ये भी जो भाई का पेट भर जाएगा हम बेचारे देखो ऐसे ही खड़े हैं तो भाई अब पहुंच गए यार हम यहाँ की अपनी टूर की सेकंड लोकेशन जो है शेरियन कैनन और कितनी बढ़िया धूप आ गई है तो ये कैनियंस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ तो ये नेचुरल फॉर्मेशंस हैं जो करीबन कुछ हज़ारों लाखों साल लगा के जो नेचुरली जो भी प्रोसेसेस होते हैं उसके साथ बनी हैं वो भाई बहुत ज़्यादा डीप है ये तो ये देखो भाई बहुत बहुत ज़्यादा डीप है मतलब यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना भयंकर लेवल पे डीप होगा ये एकदम नेचुरल पत्थर हैं और ये शायद शेरियन कैनियन जो है ना इसके पत्थर ब्लैक हैं इसलिए ये आपको ब्लैक कलर में दिख रहे हैं पत्थर सारे गर्मियों में जब आप आओगे तो थोड़ा सा आपको अच्छे से दिख जाएगा जो कलर है ना इनका पत्थरों का ये जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छे से दिखेगा और अभी स्नो की वजह से उतने सही तरीके से ना दिख नहीं रहा है अब ये देखो यहाँ पे आगे एकदम ऐसे स्टीप सा अगर आप थोड़ा सा तेज चले या कुछ चले तो सीधा यहाँ से नीचे जाओगे इसे डेप्थ देखो मैं तो भाई पकड़ के ही दिखाऊंगा ये देखो ये पत्थर दिख रहे हैं जो यहाँ पे अलग अलग टाइप के कैनियंस हैं ना तो उनका जो डिफ्रेंसीशन है वो कलर से आता है कुछ रेड है शायद जो एक अभी हम जाएंगे ना वो रेड है यार एक चीज़ बहुत सही हो गई है ना आप पता है टेम्परेचर जो भी हो -10-12 होगा अप्रॉक्स बट धूप आ गई है ना तो यहाँ की धूप पता चल रही है भाई सीधी एकदम ऐसे बढ़िया तरीके से और अब ठंड लगना हो गई है बंद एकदम थोड़ी बहुत मतलब हवा चल रही है बट ऐसा नहीं हो रहा कि भाई हाथ मतलब ऑलमोस्ट डेड हो जाएंगे एंड दिस कैनियन इज ब्लैक राइट दिस वन इज़ ब्लैक एंड देर आर 2 more or 3 more
One is Red Canyon, I guess. This is Black Moon Canyon and the Valley of Castles. This is a little part Sharing Canyon. Okay, okay, okay. Sure. तो ये भाई अलग पार्ट है, जैसे ये ब्लैक कैनियन है तो ब्लैक कैनियन में, और अलग है मून कैनियन है और एक रेड कैनियन है, तो उसका ये पार्ट है एक. This depth in 100 or under 150 meters. Depth. Okay, depth. Yes. तो डेप्थ है भाई इसकी 150 meters के आसपास. And here in 6 kilometers. In 6 kilometers. Yes. So what would be your advice? Don't fall. Don't fall. You won't survive. तो भाई यही एडवाइस है, लोकल्स की भी यही एडवाइस है कि भाई गिरना मत, अगर गिर गए तो बचोगे नहीं. And the names is Black Canyon because it's black in color. Black, yes. तो जी भाई अब हम आ गए हैं मून कैनियन. इसमें क्या है पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस. एकदम कॉमन, जो जैसा पुराना वाला था वैसा ही लग रहा है, कोई भी ऐसा खास सा कुछ नहीं है. ये देखो भाई कुछ इस तरीके का दिखता है, मून कैनियन इसका नाम है. और इसकी हाइट तो मुझे कुछ लग ही नहीं रही, मतलब जो थे उसके आगे तो ये कुछ है ही नहीं. और अगर आपको भाई चील के साथ फ़ोटो भी खिंचवानी हो तो वो भी खिंचवा सकते हो. और एक वो घोड़ा ऊपर खड़ा है ऐसे दूर तक, आई होप दिख गया हो, वो ही है. यहाँ और कुछ नहीं है, 15 मिनट अपने वेस्ट करो. ये देखो ये लोग कई क्लिक कराते हैं ना पिक्चर्स, तो ये करा सकते हो आप. कजाकी ड्रेस है, कजाकी ड्रेस पहन के. तो भाई एक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में पता चली है, इसको येलो कैनियन भी कहा जाता है क्योंकि इसकी जो ये देख रहे हो ना लाइम स्टोन वाला स्टोन है तो ये येलो कलर के हैं, इसकी वजह से इसे येलो कैनियन कहा जाता है. बट डिपेंडिंग दिन में किस टाइम आप आ रहे हो, कैसी धूप पड़ रही है, तो वो रेड भी हो सकता है. ऐसी कोई वो नहीं है कि येलो येलो दिखेगा. 50 से 60 meters की डेप्थ इसकी बता रहे हैं यहाँ से, या तो वहाँ से नापी होगी. यहाँ से तो मुझे 50 meters नहीं लग रही इस साइड से ना, ये तो ऑलमोस्ट है ही कितना सा उधर से होगी. और दूसरी चीज़, इसको लूनर कैनियन भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ इसका लैंडस्केप ऐसा है. एक बात बताओ, इसमें क्या मून जैसा लैंडस्केप लग रहा है? मेरी तो भाई समझ से बाहर है. इस टाइप का आप फ़ोटोशूट करा सकते हो, झंडा पहन लो कंधों पर और चील बिठा लो बाजुओं पर, तो बाजुओं में है अगर दम तो करा लो ये वाला फ़ोटो क्लिक. बट मुझे तो लगता है डर, अभी तो ये उड़ भी गया था, अभी इतना इसने ऐसा हाथ पे बैठा हुआ उड़ गया हाथ खींच के, तो भाई हाथ हूत निकाल के ले जाए तो कोई भरोसा नहीं है. दिस इज विजिट सेंटर, द एंड द रूट लेन इन 40 minutes. शैरन कैनियन, और ये काफ़ी बड़ी कैनियन है, मतलब इसकी जो लेंथ अभी बताई थी ना करीबन 2.5 kilometers की है. यहाँ से तो भाई कुछ दिख नहीं रही है. ये देखो भाई कुछ ऐसा नज़ारा है, यहाँ से काफ़ी दूर तक प्लेन दिख रहा है और उधर पीछे पहाड़ दिख रहे हैं बर्फ़ वाले. और मेरे हिसाब से कैनियन वो है जो इधर ये वाला पोर्शन दिख रहा है ना, वो वाला कैनियन है. तो यहाँ से दो तरीके हैं अगर आपको कैनियन तक जैसे जाना है, तो या तो आप हाइक करके जा सकते हो, करीबन नॉर्मल उसमें बताया उन्होंने कि 40 मिनट के आसपास की हाइक होगी, और अगर आप स्लो भी चलोगे तो भाई 1 घंटे की हो जाएगी, इससे ज़्यादा का नहीं है पंगा. इसके साथ साथ अगर आपको नहीं बिल्कुल ही नहीं चलना भाई, तो आप टैक्सी भी ले सकते हो. टैक्सी मेरे हिसाब से 500 पर पर्सन है वन वे और 1000 पर पर्सन है टू वे. तो ये देखो भाई यहाँ पे आपकी पार्किंग है, यहाँ पे आप आओगे निकल के, पार्किंग से आने के बाद इधर आप नीचे आओगे. ये ना काफ़ी डेवलप सा बना रखा है, कुछ सुवेनियर्स की शॉप्स हैं, एक आधा रेस्टोरेंट भी है, और ये कुछ खुला पूरा वाइड एरिया है ये शैरन कैनियन का. और बहुत ज़्यादा मतलब बर्फ़ में उतना अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा वाइट वाइट ज़्यादा दिख रहा है ना. ये वाले घर भी बने हैं, अगर जैसे आपको रेंट वेंट पे लेने हैं कुछ, यहाँ के व्यूज़ में रह सकते हो, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ सीन होगा. तो बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा है यार यहाँ से, बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया. और यहाँ से करीबन 2.5 kilometers की हाइक है अगर आपको जाना है नीचे. तो अब हम सोच रहे हैं यार आए हैं तो नीचे चल ही लेते हैं, नहीं तो फ़ायदा क्या आने का, सही बात है ना. मैं तो पर्सनली गर्मियों में आ जाओ थोड़ा टेम्परेचर भी ठीक होगा, क्योंकि भाई यहाँ चल रही है एकदम शीतलहर, शीतलहर का बाप चल रहा है. दिल्ली में चलती है शीतलहर थोड़ी बहुत यार. ये हैं स्टेयर्स जो कैनियन में नीचे जा रही हैं भाई, और बहुत सुंदर है यार ये तो, यहाँ से बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है. अब दिखना स्टार्ट हुआ है ना ये, और उधर देखो पूरा कैनियन है. देखो मैं दिखाऊँ आपको, ये देखो ये रहा, बहुत सुंदर भाई, बहुत ज़्यादा सुंदर.
तो कुछ इस रास्ते से यार आप नीचे आओगे, और नीचे जाने के बाद करीबन 2-2.5 किलोमीटर का हो रहा है जो चलने वाला रास्ता है। सामने ये पहाड़ से हो गए, यहाँ से उतर के आप आगे जाओगे ना, वो देखो वो जो थोड़ा सा आपको हिस्सा दिख रहा होगा ना, ये वाला हिस्सा आपका जो मेन कैनियंस जो डिज़ाइन बनी हुई है ना, जो सैंडस्टोन वाली सी लगती है जैसे कि भाई कुछ प्रॉपर कार्व करके बनाया गया है, वो है। कैमरा ना बिल्कुल जस्टिस नहीं कर सकता इस जगह की ब्यूटी से, क्योंकि जो मैं आँखों से देख पा रहा हूँ वो ये बिल्कुल कैप्चर नहीं कर पा रहा। ये देखो सामने वो जो कैविटी होल दिख रहा है ना, उधर से पीछे जो दिख रहा है कैनियन, नेक्स्ट लेवल। क्या पत्थर के डिज़ाइन है और बहुत ही सुंदर लग रहा है भाई। मुझे तो लगता ही नहीं ये करना चाहिए भाई, इसको शॉर्ट ट्रिप बनाएं, सुबह 6 बजे निकलने की जगह ना थोड़ा लेट निकलें, ये मून कैनियन ब्लैक कैनियन और ये सब हटाएं, क्योंकि ये कुछ भी नहीं है, 15-15 मिनट के लिए वहाँ ले जाके खड़ा कर देते हैं और उसमें कोई मज़ा भी नहीं आता, वो देखने लायक भी नहीं है। ये देखो ना भाई, ये चीज़ है देखने वाली, इसको देखो, ये है ना अप्रिशिएट करने वाली। ये जितना नेचर के क्लोज वाला एरिया है ना, एकदम ऐसे आइसोलेटेड सा, यहाँ भाई जानवर हो सकते हैं, ये तो पक्की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये वाली देखो, ये टैक्सी भी चलती है जो मैंने बताई थी ना, 500 रुपये की, इसमें भी आप जा सकते हो, 500 जाना 500 आना। तो यार मैं थोड़ा सा आपको ना इस ट्रिप के बारे में बताता हूँ जो हमने की है, almaty2.ks पे बुक की है, मैंने इंस्टाग्राम का उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ये इनका इंस्टाग्राम पेज है। और यहाँ पे हमें ये पड़ी है 12,000 टेंगे पर पर्सन। अब इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस 12,000 टेंगे में आपकी पिकअप सर्विस है, आपको लोकेशंस पे लेके आएंगे। तो अगर मैं इसका आपको एक्सपीरियंस बताऊँ कि भाई ये कैसा रहा, तो विंटर में भाई ठीक है, स्नो मिलती है सब जगह, ठंड होती है, उस चीज़ का बस ध्यान रखना, और उसके होने के बाद ठीक है। बट अगर यहाँ समर में आओगे ना आप, तो भाई ये समर में बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा, बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल सुंदर लगेगा। तो ये समर में करने वाली है, बिकॉज़ कोलसाई लेक बहुत बड़ी लेक है, उसमें आपकी बोटिंग भी होती है, सब कुछ होता है, तो वो वाली एक्टिविटीज़ आप क्यों मिस करो। स्नो देखो कितनी डेप्थ है, अच्छी खासी एकदम यू नो फ्रेश स्नो जमी हुई है। और सबसे बेस्ट पार्ट जो इस ट्रिप का है अभी तक के लिए भी, वो है ये शेरन कैनियन, मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा। मतलब ये जो पत्थर है ना सारे, ये नेचुरल फॉर्मेशन से बने हुए हैं, पता नहीं कितने ही मिलियन ऑफ ईयर्स लगे हैं, और इनकी ये शेप आई है हवा से कट के, और जो भी मतलब नेचुरल मूवमेंट्स रही हैं उनसे कट के ये वाली शेप इनकी निकल के आई है। सांस चढ़ गई भाई, कैनियन उस तरफ गए थे पूरा वॉक करके, टैक्सी नहीं लिया हमने। और ये नीचे देख रहे हो वो पॉइंट, वहाँ से इन सीढ़ियों के साथ ऊपर आए, और उधर आपको पूरा पीछे कैनियन का लॉन्ग व्यू दिख रहा होगा, करीबन 2.6 किलोमीटर्स ये है। ओवरऑल भाई इस जगह की रेटिंग मैं दूँ, ये भाई 10/10 है। ये वाला भी एरिया देखो, यहाँ रेस्टोरेंट है, ये ऊपर से स्टेयर्स आती है, और ये हो गई अपनी भाई सुवेनियर शॉप, अगर आपको कुछ शॉपिंग वगैरह करनी हो। यहाँ की फ़ोटोज़ हैं, क्या क्या कैसा कैसा दिखता है भाई गर्मियों में, तो भाई बहुत सुंदर है। ये कुछ यहाँ पे जो अलग अलग टाइप के रॉक कलेक्शंस हैं ना, वो सारे रॉक कलेक्शन रखे हुए हैं। ये भाई यहाँ की फ़ोटो लगी है। अब हमारी ये ट्रिप आज की कंप्लीट हो गई, पिकअप का भी टाइम हो गया, और अब हम चल रहे हैं यहाँ से वापस अपने ट्रांसपोर्ट में। और ये दो देखो कितने बढ़िया बढ़िया डॉग्स हैं भाई, बहुत शरीफ हैं, बहुत अच्छे डॉग्स हैं, वेरी नाइस डॉग्स। एक हो रहा अच्छा कुत्ता है, फरी है एकदम, वो वाला जो होता है ना हिमाचल वाले, वैसा वाला कुत्ता है। तो भाई फाइनली पहुंच गए यार अपनी डेस्टिनेशन, सुबह 6 बजे निकले थे और अभी बज रहे हैं 9। आप चलेंगे कुछ इंडियन फूड खाने, बढ़िया। तो ये देख लो भाई कजाकिस्तान अलमाटी में क्या ऑर्डर हुआ है, गर्मा गर्म समोसे, और सही में भाई बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है, एकदम इंडियन फूड वाली फीलिंग आ रही है, शक्कर पर वाला बन रहा है, चटनी भी बहुत बढ़िया लग रही है। भाई अभी आए थे ये महाराजा इंडियन रेस्टोरेंट पे, तो अपने दो भाई मिले हैं इंडिया से ही, ये है भाई। I am from Haryana, Sonipat. This is my friend Abhay. He is from Dehradun. और ये दोनों यहीं पढ़ रहे हो ना तुम? हाँ, हम यहाँ पे मेडिकल पढ़ रहे हैं।
क्यों पढ़ रहे ये मत पूछना ये नहीं पता ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाती है। ये हमारा भाई अभय है, ठीक है, आज इसकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है। अरे वाह, बहुत बढ़िया भाई। भाई सच्चा प्यार करता है, भाई ने बहुत प्यारा गिफ्ट दिया है, गिफ्ट मैंने भी दिया है, पर भाई के जैसा कोई नहीं नहीं दे सकता भाई। हाँ। नहीं दे, कैसे दे देगा यार भाई का वो याद है वो मीम फेमस होती ओ माय गॉड ट्रू लव हो गया भाई, तो ट्रू लव ही है एकदम। वो कहते हैं ना जिसको अपना प्यार नहीं मिलता वो लोगों के प्यार में खुश होता है भाई। मैं आपके प्यार में बहुत खुश हूँ। हम भी खुश है भाई, हम भी उसी कैटेगरी में, हम बहुत खुश है भाई। मेरी वाली कैटेगरी में आप वही हो जो चारिया सुन के सोते हो। हम भी वही है भाई, एकदम सेम पहचान लिया भाई। हम चाहते हैं भाई आपका रिलेशन चलता रहे, आप इकट्ठे शादी करो, बच्चे हो, बूढ़े हो, मरो मेरे से बाद। मैं पहले मर यार अच्छा नहीं लगा, अच्छा दोस्त पहले मर रहे हैं। थोड़ी सी पीवा पी रखी है, तुम इंडियंस को समझ नहीं आएगा, पर पीवा का होता है दारू, अब समझ आ जाएगा, अब समझ आ जाएगा भाई। भाई आज प्रॉपर्टी में हमने दूसरी में चेक इन किया, एक अच्छा सा अपार्टमेंट बुक किया। पहले वाले हॉस्टल का तो मैंने सीन बताया था आपको, क्या उसमें पंगा हो रहा था। ये देखो इसमें ना यहाँ पे कबर्ड हो गया आपका स्टार्ट होते ही, और इधर अगर हम घुसते हैं तो सारा एमिनिटीज़ हैं, वॉशरूम हो गया, और ये वॉशिंग मशीन भी लगी है एलजी की, सिंक भी अच्छी है, और ये है अपना बढ़िया जकूजी, एकदम शीशा वीशा बढ़िया सेट। तो ये हो गया आपका टीवी यूनिट, हो गया झूमर उमर लगा रखा है एकदम मस्त, और ये है फुली फंक्शनल किचन, यहाँ पे चिमनी लगी है, माइक्रोवेव लगा है, ये कुकटॉप भी है, और नीचे ओवन भी है। कटलरी वगैरह दी है इन्होंने भाई, प्रॉपर दी है कटलरी। तो बाहर का मस्त आप व्यू लो एकदम। और ये हो गया सोफ़ा सेट, वेटिंग एरिया हो गया एक तरीके से ना, और बेडरूम भी ठीक है, नाइस है। इधर झूमर है, इधर ये बेड है, और ओवरऑल काफ़ी सही है। ये हमें जो कॉस्ट पड़ी है इस अपार्टमेंट ही, इसमें टोटल 6 लोग रह सकते हैं एज़ पर जो ओनर का वो है, बट 6 सोना मुझे मुश्किल लग रहा है। तो इसकी कॉस्ट हमें पड़ी है 4,500 इंडियन रुपीज़ पर नाइट। तो टोटल हमने 2 नाइट्स के लिए बुक किया है, तो सही है यार उस कॉस्ट के हिसाब से ना, तो मुझे बहुत बढ़िया लगा ये। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट कीजिए इस वीडियो पर क्या पार्ट आपको बेस्ट लगा, और स्टे ट्यून्ड टू यात्री अंकित। Till then, do take very good care of yourself and see you in the next one.